सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज न्यू वीडियो। एंड भाई आज आपका स्वागत है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि भाई उसके दो तीन रीज़न है जो इतने दिनों से वीडियो नहीं आई थी। भाई उसके लिए माफ़ करना, भाई वीडियो इसलिए नहीं आई थी। पहली चीज़ भाई मेरा हो गया अब कॉलेज स्टार्ट। अगर आप चाहते हो कॉलेज की वीडियो देखना तो भाई कमेंट में बता देना, वो भी वो लोग की तरह बना दूंगा। और दूसरी चीज़ भाई बहुत दिनों से तबीयत ख़राब चल गई थी तो इसलिए, बाकी भाई अब मैं देखता हूँ भाई रेगुलर वीडियोज़ डालने की। तो भाई आज मैं बात करूंगा भाई जो ये हमारी साइकिल है इसमें जो गियर्स होते हैं ये कैसे कब और इनका क्या मतलब है, कैसे यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोग भाई नहीं पता होता कि ये कब कहाँ कैसे यूज़ करने होते हैं। इवनली मेरे को भी अभी कुछ थोड़े दिनों पहले ही पता चला, जैसे जैसे मैं राइड करता गया लंबी लंबी और मेरे को एक्सपीरियंस होता गया, और वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो जो ये होते हैं अपने लेफ्ट हैंड के, तो भाई ये होते हैं आगे के जो यहाँ पे होता है, ये इससे ये चेंज होते हैं, और जो ये होते हैं ये होते हैं पीछे साइड गए। ये चीज़ इससे भाई ये चीज़ होता है। इसको मतलब यूज़ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे अब मान लो नॉर्मल घोड़ा आपको साइकिल चलानी है, मैं प्रैक्टिकली अभी साथ के साथ भाई करके दिखा दूँ। जैसे मान लो आपको सिंपल घोड़ा आपको साइकिल चलानी है नॉर्मल, हम नॉर्मल स्पीड में, तो भाई ये आपको सेकंड पे रखना है और देन ये आपको रखना है थर्ड वे। जैसे वो अभी थर्ड वे है, इससे आप मतलब नॉर्मली चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहिए स्पीड तो आपको करना है ये डालना है थर्ड पे, ये चैन हो जाएगी थर्ड गियर पे यहाँ पे, और इसको कर देना लो बिल्कुल, ये चली जाएगी सेवन। इसमें सेवन स्पीड गियर है तो ये बिल्कुल टॉप गियर पे चली जाएगी, फिर ये आपकी स्पीड पकड़ जाएगी। इसको मतलब मेनली यूज़ भाई बहुत से भाइयों को नहीं पता कि यूज़ कैसे होते हैं। आप मैं चलो आज बता ही देता हूँ। पहली चीज़ भाई ऐसे साइकिल खड़ी है ना, ऐसे कभी भी आपको गियर नहीं लगाने, क्योंकि इससे जो मेन चीज़ होती है ना गियर, ये ख़राब हो जाती है। ये ख़राब हो जाती है तो भाई बहुत महंगी डलती है। तो पहली चीज़ तो अवॉइड करना कि खड़े खड़े में गियर नहीं बदलने हैं। दूसरी चीज़ जैसे मान लो आपके मतलब लॉन्ग उस पे हो, आप लंबी गाइड पे हो, लंबी गाइड पे आपके पैरों में दर्द होगा, आपको चाहिए थोड़ी लूजनेस जिससे मतलब आपके पैरों को भी आराम मिल जाए, आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाए, आपको दिक्कत ना आए कहीं भी। तो आपको क्या करना है, आपको ये सेकंड वगैरह सेकंड पे बेस्ट है, और ये जो है ये नीचे लो, इसको लो करते जाना, और ये जो चैन है ये यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद ये बहुत ही लूज चलेगी जिसको बोलते हैं। उससे क्या होगा कि भाई पैंडल शॉर्ट लगेंगे और आपकी साइकिल चलेगी, और आपके लेग्स पे बिल्कुल भी मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा साइकिल का, और आप इजीली आपको जहाँ जाना है कर सकते हो, फिर उसके बाद आप नॉर्मल कर सकते हो। सेकंड चीज़ जैसे मान लो चढ़ाई है ऊपर की तरफ, तो आप क्या करना है ये वन पे डाल देनी है, ये चैन वन पे आ जाएगी, और ये चीज़ कर देनी है बिल्कुल लूज लो, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगी चैन। उसके बाद आप खुद ही देखना मतलब पैंडल तो इतने शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब हल्के हल्के पैंडल लगेंगे, और स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा चलेगी साइकिल आगे की तरफ। भाई मैं अभी प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी दिखाई देता हूँ आपको। ये देखो जैसे कि अभी है ये सेकंड वे, जैसे ये मैं लगा देता हूँ थर्ड, भाई वो हो गई चैन थर्ड वे, अब हो गई है टाइट। टाइट हो गई मतलब मान लो मेरे को स्पीड करनी है तो उसके लिए ये थर्ड थर्ड गियर इसलिए होता है इसमें, ताकि मतलब स्पीड और इंक्रीज हो सके थर्ड गियर में। और आपको चाहते हो और थोड़ी स्पीड डबल करनी तो यहाँ से तो आपको थर्ड कर देना है। दूसरी चीज़ ये जो है ये आपको बिल्कुल ले जाना है लो में, एकदम से नहीं धीरे धीरे, और ये चैन बिल्कुल आ चुकी है लो में, सो ये हाई में आ चुकी है। अब ये चैन भाई इतनी टाइट है मतलब मैं कहना लेग्स पे बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ गया है, और ये उसी लिए जैसे मान लो कोई ढलान आ गई उसमें क्या होता है कि पैंडल लूज हो जाते हैं, और आपको स्पीड इंक्रीज करनी तो उसके लिए ये। और मैं दूसरी चीज़ बता रहा था भाई चढ़ाई है, चढ़ाई है तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये लो, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, ये बिल्कुल चैन लूज हो गई,
लूज होने के बाद बिल्कुल मतलब ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल हल्की हो गई उसे। अब मान लीजिए ये ऊपर चढ़ाई है तो ये थर्ड पे थी, ये तो हमने कर दिया बिल्कुल, ये सेकंड और ये फर्स्ट। ये देखो भाई इतनी लूज हो गई, पैंडल पैंडल काफ़ी मतलब हल्के हल्के पैंडल लगे पर चल ज़्यादा गई है ये चीज़। और आप जैसी चढ़ाई पर चढ़ाओगे ना इजीली चढ़ जाएगी भाई। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ये करता था कि मतलब जिसमें चल गए उसी में चढ़ा दी चढ़ाई पे, और मेरे जो पैर दर्द करते थे ना जब मेरे को पता चलता था कि भाई गलती कर दी। फिर धीरे धीरे मेरे को एक्सपीरियंस होता गया कि भाई कैसे कैसे साइकिल को चलाते हैं, और मतलब मेन चीज़ तो भाई गियर ना किसी को अब तक समझ में नहीं आए थे, बट मेरे को अब आ चुके हैं। और भाई मैं एक बात बता दूं, मैं लंबी लंबी गाइड करता हूँ, लाइक इंडिया गेट, सबसे लंबी मेरी इंडिया गेट है कुतुब मीनार, डेली की 50-50 किलोमीटर है। अगर आप चाहते हो राइड से रिलेटेड कुछ बात, वो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसके लिए भी वीडियो आ जाएंगी, क्योंकि मैं डेली सुबह जाता हूँ डेली शाम। वैसे भी मौसम आज काफ़ी बढ़िया है। ये थी भाई वीडियो। और भाई अब जैसे मान लो मेरे को नॉर्मल चलाना है तो ये चीज़ मैंने सेकंड पे कर दी। फिर उसके बाद ये मैं भी इसको कर दूंगा बिल्कुल थर्ड गियर में। अब सबसे बेस्ट चलेगी भाई अपना नॉर्मल, जो भी जैसे हम गली सड़क में चलाते हैं वो चीज़। तो भाई ये ही थी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जो किया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए भाई वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भाई जरूर कर देना। अगर साइकिल से रिलेटेड चाहिए साइकिल से रिलेटेड, कॉलेज के व्लॉग से रिलेटेड व्लॉग से रिलेटेड, कौन सी गाड़ी के ऊपर चाहिए गाड़ी से रिलेटेड, कौन सी बाइक के ऊपर चाहिए बाइक से रिलेटेड, आपको भाई पक्का रिप्लाई करेगा। तो भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।